हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवा और आज बनेगा बाजरा और गुड़ की मीठी टिक्की। तो यहाँ पे 2 कप मेरे पास बाजरे का आटा है और इलायची पिसी हूँ और गुड़ है और ये नारियल है। तो मैं गुड़ को ग्रेट कर दूँगी, आपको दिखाऊंगी। तो ये मैंने गुड़ को ग्रेट कर दिया इस तरीके का। तो अब इस गुड़ में हम डालेंगे पिसी हुई इलायची का पाउडर और ये है नारियल। उसको डाल के हमें मिक्स करना है और इसमें जो है हमें पानी डालने की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम डालेंगे। और इसमें मैं ये जो बाजरे का आटा है वो डाल दूँगी। अगर इसमें ज़रूरत पड़ी पानी की तो मैं डाल दूँगी, मैंने इसी में ही भून जाएगा। ये बहुत अच्छी ट्राई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से बनने लगा है। अब मुझे इसमें थोड़ी सी पानी की ज़रूरत है, तो मैं ऐड करूँगी और ये थोड़ा टाइट ही रहेगा, ये मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो इसको मैं एक अच्छा सा डो बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से ये हो चुका है और मैंने इसमें घी भी नहीं डाला है, तो ये बहुत ही ज़्यादा खस्ता बनता है अपने आप। ये देखिए मैंने इसका डो बना के तैयार कर लिया। अब मैं इसको तलूँगी और दिखाऊँगी। देखिए बहुत ही टेस्टी बनते हैं, आप जरूर ट्राई करिएगा। मेरे तो ये कहना है आज ये करती हूँ। तो चलिए अभी मैं इसको फ्राई करती हूँ। देखिए हो चुका है, बहुत ही टेस्टी लगेगा। चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आटा जिसको मैंने आपको दिखाया हो चुका है और अब इसको जो है बेलने के बारे में, इसको बेलन से नहीं बेला जाता है, इसको इसके ऊपर रखा जाता है, फिर बंद किया जाता है, फिर हाथ से दबाया जाता है। इस तरीके की पॉलिथीन होती है। तो अब इसके हम थोड़ा सा तेल लगाएंगे, इसको अच्छे से साफ करने के बाद। साफ करने के बाद तेल लगाएंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा घी डालेंगे छिलके के लिए और थोड़ा सा इसको हम गोल कर लेंगे ताकि इसकी जो शेप है वो परफेक्ट है। ये देखिए, और इसको हम रख देंगे इसके ऊपर और फिर इसको दबा देंगे। अब हम इसको अच्छे दबाएंगे। ये देखिए इस तरीके से ये बन चुका है। ये देखिए तेल भी मेरा यहाँ पे गर्म हो रहा है, आपको दिखा देती हूँ। और ये देखिए बन चुका है, अब इसको हम तलेंगे। तो इसी तरीके से मैंने ये वाली भी बना ली है और भी मैं बना के रख दूँगी और फिर जब तलेंगे तो मैं बताऊँगी कैसे तले जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने बना के रख लिया है। तेल लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये चिपक जाएंगे इसके ऊपर। तो इसके ऊपर से जो है मैंने नारियल भी डाल दिए हैं, इससे बहुत अच्छा लगेगा मुझे और खूबसूरती भी होगी। और नारियल रखने के बाद इसको इस तरीके से दबाना है। इस तरीके से मैंने ये वाला भी कर लिया है और इसको भी दबाना है। तो फिर अब मैं इसको तलने जा रही हूँ, सबसे छोटी है लेकिन ये बहुत नाजुक हो चुकी हूँ और बहुत मुश्किल से उठ रही है, टूट ना जाए इस बात का मुझे डर है। तो मैं अपनी पुप्पी से इसको तलवाने जा रही हूँ। तो देखते हैं मेरी पुप्पी का क्या करती है। बहुत मुश्किल से है, बहुत नाजुक नाजुक से होती है, बहुत आराम से की जाती है। तभी तो मैं आपसे करवा रही हूँ, इससे नहीं होती तो टूट भी जाती है। इस तरीके से आराम से इसको मसाला टूटी जा रही है। देखिए फिर भी ये टूट चुकी है लेकिन बहुत ही ज़्यादा
तो फिर ये देखिए तल चुकी है पूरी। तो ये भुप्पी मैंने निकाल दी है। हाँ मुश्किल तो है, मुझे बहुत मुश्किल लगी क्योंकि क्रैक भी हो जाती है, टूट भी जाती है। अब मैं इसको खाने जा रही हूँ, देखिए कैसे बनती है। बहुत अच्छा फ्लेवर आया है इसको, बहुत अच्छी बनी है। बस थोड़ी मुश्किल है आपको बनाने में, टूट भी सकती है, तो आप जरूर ट्राई करिएगा, मुझे बहुत अच्छी बनाना चाहिए। इसलिए कि ये सीज़न की चीज़ है, ये बाजरे की टिकिया है, बाजरे के लट्टू हैं, ये सर्दियों में भी अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए मेरी जो कुकिंग है बहुत आराम से बना रही है, तो जो है आराम से बनाई तो टूटे ही नहीं है। तो देखिए बन चुकी है।